हेलो फ्रेंड्स, एसजी नीटिंग एंड क्राफ्ट्स पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो हम एडी वाली थंब सॉक्स बना रहे हैं, आज इसका दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने जहां तक ये सॉक्स कैसे बनानी है ये बता दिया था। जिन्होंने नहीं फ्रेंड्स इसका फर्स्ट पार्ट देखा तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, इसका लिंक मैं दे दूंगी। तो आज एडी कैसे बनानी है ये बताऊंगी। इस वीडियो में आपको लेफ्ट पार्ट की और राइट ये पैर की कैसे एडी बनानी है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको दोनों की कैसे बनानी है ये बताऊंगी। तो जहां तक हमने बना लिया था, 52 फंदे हम सॉक्स में लिए थे, तो हाफ हाफ करके हमने 26 फंदे ये 18 सिलाई तक हमने बना लिया था। तो सबसे पहले ये लेफ्ट पार्ट की कैसे ये बनानी है एडी, जहां कैसे निकालनी है ये बताऊंगी। तो राइट वाला जो ये पैर की सॉक्स है जिसको उठा के साइड में कर देते हैं, पहले लेफ्ट वाली में कैसे बनाना ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने इसके जो 26 फंदे हैं रखे हैं, इनको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड करना है। तो कैसे करना है देख लीजिए आप। 9 फंदे मैं आगे रखूंगी, 9 फंदे पीछे रखूंगी, बीच में 8 फंदे। तो 8 फंदों में हम एडी बनाते जाएंगे। तो पहले 9 फंदे हम जहां ये सीधे बुनेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताइए, पूरा वीडियो देखिए फ्रेंड्स। ये इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आपको एडी बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए, पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगी एडी कैसे बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं। पहला फंदा ऐसे निकालेंगे, 9 फंदे बुन लेंगे पहले सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आगे बीच के जो 8 फंदे उसमें हम 7 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। 9 फंदे हमने फ्रंट जे शुरू में रखे, 7 फंदे हमने बीच के एडी वाले बुन ले, और एडी वाला जो 8वां फंदा है इसको सिलाई में ऐसे सीधा करेंगे, और एक फंदा हम जो इधर के 9 फंदे उसमें एक फंदा लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे ऐसे बैक लूप से, 2 का 1 बना लिया हमने। अब जहां से सिलाई को टर्न कर लेना, इधर हमारे 8 फंदे होंगे, 2 4 6 और ये 8, टर्न कर लेना जहां से। अब आगे हम उल्टी तरफ आगे, पहला फंदा निकालेंगे, आगे 7 फंदे तक बुनेंगे, ये 2 पहला फंदा भी आपने काउंट करना है, 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे बुन ले। 8वां फंदा जो है, 8वां फंदा और इस सिलाई का एक फंदा और लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे उल्टा बुनते हुए ऐसे, 2 का 1 बनाएंगे ऐसे, 2 का 1 बना लिया। इधर भी हमारे 8 फंदे अब रह गए, 2 4 6 8। अब जहां से सिलाई को टर्न कर लेना है सीधी तरफ आ जाना है, एक एक फंदा दोनों तरफ का हम लेते जाएंगे। ये फंदे हमारे जो 9 थे अब 8 रह गए, फिर 7 रह जाएंगे, 6 ऐसे कम होते जाएंगे। पहला फंदा निकालेंगे, पहला फंदा अपने हमेशा ही सीधी तरफ जे मुड़ना ही है, इसको निकालना है। आगे 7 फंदे तक बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7, 8वें फंदे को सिलाई में पहले सीधा कर लेंगे ऐसे, फिर एक फंदा इस सिलाई का लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे ऐसे, जहीं से टर्न कर लेंगे उल्टी तरफ आ जाएंगे। 7 फंदे बुनेंगे पहले, पहला फंदा निकालेंगे,
ये सात फंदे बुन ले। अब आठवां फंदा और एक फंदा इस सिलाई का, दो का एक बनाएंगे। अब जहां से सिलाई को टर्न कर लेंगे सीधी तरफ आगे, पहला फंदा निकालेंगे, आगे सात फंदे तक बुनेंगे, आठवां फंदा सिलाई में सीधा करेंगे। ये सीधा जो करने का ये प्रोसीजर है, इसको सीधी तरफ ही हमने करना है। ये दो का एक बनाएंगे, एक फंदा और लेके ये ऐसे चेन बनती जाएगी। उल्टी तरफ आगे, पहला फंदा निकालेंगे, सात फंदे तक बुनेंगे, आठवां फंदा और एक इस सिलाई का लेंगे, दो का एक बनाएंगे, यहीं से सिलाई को टर्न कर लेंगे सीधी तरफ। पहला फंदा ऐसे सिलाई में लेंगे, ये इधर से हमारी चेन बननी स्टार्ट हो गई है। पहला फंदा आपने बुनना नहीं, इसलिए ये चेन बन रही है ऐसे। सात फंदे तक बुनेंगे, सात फंदे, ये सात फंदे बुन ले। आठवां फंदा सिलाई में सीधा कर लेंगे, एक फंदा इस सिलाई का लेंगे बैक लूप से, बैक में सिलाई डाल के ऐसे दो का एक बनाएंगे, जहां से सिलाई को टर्न कर लेंगे उल्टी तरफ आ जाएंगे। पहला फंदा निकालेंगे, सात फंदे तक बुनेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात, सात फंदे बुन लीजिए। आठवां फंदा और एक फंदा इस सिलाई का लेंगे, दो का एक बनाएंगे ऐसे। अब टर्न कर लेंगे, जहां से सिलाई को घुमा लेंगे सीधी तरफ आ जाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारना है हमेशा आपने, आगे सात फंदे तक बुनेंगे, ये मैंने सात फंदे बुन ले। अब आठवां फंदा सिलाई में सीधा कर लेंगे और एक फंदा इस सिलाई का लेंगे ऐसे, दो का एक बनाएंगे। अब इधर हमारे चार फंदे रह गए, ये घट रहे हैं क्योंकि हम इधर से एक एक फंदा दोनों तरफ ले रहे हैं। ये उल्टी तरफ आ गए, अब बीच के हमारे आठ के आठ ही फंदे रहेंगे। सात फंदे बनाएंगे पहले, सात फंदे मैंने बना लिए, आठवां फंदा और एक फंदा इस सिलाई का लेके दो का एक बनाएंगे, जहां से सिलाई को टर्न कर लेंगे सीधी तरफ। एड़ी हमारी जे बननी स्टार्ट हो गई है, जे हाफ एड़ी बन गई है हमारी। पहला फंदा ऐसे निकालेंगे, ऐसे सात फंदे बुनेंगे, आठवां फंदा सिलाई में सीधा करेंगे, एक फंदा इस सिलाई का लेके दो का एक बनाएंगे ऐसे, जहां से सिलाई को टर्न कर लेना है उल्टी तरफ आ गए। पहला फंदा ऐसे लेंगे, सात फंदे बनाएंगे पहले, पहले फंदे को भी काउंट करना है, टोटल आपने सात फंदे बनाने हैं। सात फंदे जी बना ली मैंने, आठवां फंदा और एक फंदा इस सिलाई का लेंगे, दो का एक बनाएंगे ऐसे, जहां से सिलाई को टर्न कर लेना है सीधी तरफ आगे। पहला फंदा निकालेंगे, इधर से भी हमारी ये चेन ऐसे बन रही है। सात फंदे बनाएंगे पहले, ये सात फंदे मैंने बुन ले। अब आठवां फंदा सिलाई में सीधा करेंगे, एक फंदा इस सिलाई का लेके दो का एक बनाएंगे ऐसे। अब जहां से टर्न कर लेंगे उल्टी तरफ आ जाएंगे। पहला फंदा ऐसे निकालेंगे, सात फंदे बनाएंगे पहले, ये आठवां फंदा और एक फंदा इस सिलाई का लेंगे, दो का एक बनाएंगे। अब हमारे दोनों तरफ दो दो फंदे रह गए हैं, टर्न कर लेंगे सिलाई को सीधी तरफ। पहला फंदा ऐसे निकालेंगे, सात फंदे बनाएंगे, ये सातवां फंदा, सात फंदे बना लिए। आठवां फंदा सिलाई में सीधा करेंगे, एक फंदा इस सिलाई का लेंगे, दो का एक बनाएंगे ऐसे। अब जहां से टर्न कर लेंगे उल्टी तरफ आ जाएंगे। पहला फंदा निकालेंगे, सात फंदे बुनेंगे, ये सात फंदे बना लिए। आठवां फंदा और एक फंदा इस सिलाई का लेंगे ऐसे, जैसे सिलाई को टर्न कर लेंगे। अब दोनों तरफ हमारा एक एक फंदा रह गया है। अब पहला फंदा ऐसे निकालेंगे, सात फंदे बनाएंगे,
सात फंदे बना लिए जी। आठवां फंदा सिलाई में सीधा करेंगे और ये एक फंदा जो रह गया इसको लेके दो का एक बना देंगे ऐसे। अब सिलाई को टर्न कर लेंगे, सात फंदे बुनेंगे पहला फंदा निकाल के ऐसे सात फंदे तक जी, सात फंदे बना लिए। एक फंदा जो आठवां और लास्ट का जो इस सिलाई का एक फंदा जो रह गया दो का एक बनाएंगे ऐसे। ये हमारी बीच की एड़ी जो ऐसे बन के रेडी हो गई बीच में ऐसे। तो बीच के जो आठ फंदे थे आठ ही रहेंगे, ये दो चार छः आठ। तो अब हमने क्या करना है, इधर की तरफ हमने नौ फंदे उठाने हैं। जो नौ फंदे हमने इधर से साथ में इसको लेते घटाते गए तो नौ फंदे हमने इधर से उठाने हैं, नौ फंदे हमने इधर से उठाने हैं। तो इधर से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये सिलाई ये मैं जहां तक बुन लेती हूँ आठ फंदे पहलू बुन लेते हैं। तो अब हमने जहां से अब ध्यान से देखिए जहां से नौ फंदे उठाने हैं तो जहीं से हम स्टार्ट कर देंगे ये जो हमारी चेन बनी हुई है जहां से हम फंदे उठाते जाएंगे एक दो तीन चार ये पांच छः सात आठ ये नौ, नौ फंदे हमने उठा लिए। अब जहीं से सिलाई को टर्न कर लेना उल्टी तरफ आ गए हम। अब ये नौ फंदे हम पहले बुनेंगे जहां तक, फिर जहां से नौ फंदे उठाएंगे इसको पहले बुन लेते हैं। अब जहां तक मैंने बना लिया अब नौ फंदे हम इधर से उठाएंगे इधर से। तो इसको ये उल्टी तरफ है तो इसको कैसे उठाना है आपने, ध्यान से उठाना है आपने, ऐसे उठाना है सिलाई का मुंह अपनी तरफ करके ऐसे ऐसे उठाना एक दो ऐसे आपने उठाना, चेन लेती जाना है ऐसे तीन चार पांच छः सात आठ और ये नौ, नौ फंदे उठा लिए। तो अब इस सिलाई में जो जो हमने 26 फंदे नहीं बुने अब इधर को बुनते जाएंगे और बीच में जो आप थोड़ा सा गैप है इसको ऐसे सिलाई में एक जहां से लूप उठा लेंगे, उठा के अब दो का एक जहां बना देंगे। तो जहां गैप नहीं आपका होगा सफाई से ये अच्छा लगेगा, जहां ऐसे गैप नहीं दिखेगा। तो अब ये 26 फंदे जो हमने पहले नहीं बुने थे शुरू में इसको बुन लेना है ऐसे। अब जितने फ्रेंड्स हमारे पास जे सॉक्स के लिए हमने 52 फंदे रखे थे उतने ही हमारे पास हो गए। ऐसे ये तो अब आगे मैं इसको ऐसे ही सीधा उल्टा बनाती जाऊंगी, सीधी तरफ सीधा उल्टी तरफ उल्टा। तो हमारी ये एड़ी बन गई है, ये लेफ्ट साइड की एड़ी हमने तैयार कर ली है। तो ऐसे ही आपको राइट पैर की भी बता देती हूँ, राइट सॉक्स की कैसे बनानी है
तो ऐसे ही सेम बनेगी। तो आपको कैसे बनानी जेब बता देती हूँ। ये राइट वाला पीस है इधर, तो ये हमने अभी आपको दिखाती हूँ, ये हमने लेफ्ट में बनाई। ये हमने लेफ्ट वाली आपको अभी बताई, ये आपको दिख रही है ना, ये लेफ्ट वाली है, लेफ्ट पैर की जो लेफ्ट सॉक्स की, ये राइट वाली। राइट में शुरू में बनानी है, लेफ्ट में लास्ट में बनानी। लास्ट वाली आपको ये बता दी है, और शुरू वाली अभी जो राइट पैर की है वो बताऊंगी कैसे बनानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप ये भी देख लीजिए कैसे बनेगी। पहले हम जैसे लेफ्ट वाले में बनानी, सेम ही बनानी है, लेकिन आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे इसलिए ये भी आपको मैं बता देती हूँ। पहला फंदा ऐसे निकालेंगे, 9 फंदे पहले बुन लेते हैं। इसमें भी कि 3 हिस्सों में फंदे डिवाइड करेंगे, 9 आगे रखेंगे, 9 पीछे, बीच के 8 फंदे। 9 फंदे पहले बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बीच के 7 फंदे पहले बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 फंदे हमने बुन ले। 8वां फंदा जो है उसको सिलाई में ऐसे सीधा कर लेंगे, ये मेरा सीधा ही है, सीधा करके 1 फंदा इधर का लेंगे, जो 9 फंदे इधर है, 2 का 1 बनाएंगे, इधर हमारे 8 फंदे रह गए। अब जहां से सिलाई को टर्न कर लेना है, सिलाई को टर्न कर लेना है। अब पहला फंदा निकालेंगे, 7 फंदे बुनने, पहला फंदा निकाला, ये भी काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे बुन ले। अब 8वां फंदा जो है, और 1 फंदा इस सिलाई का लेंगे जो इधर के 9 फंदे हैं, 2 का 1 बनाएंगे, इधर हमारे 8 होंगे, 2 4 6 8। अब जहां से सिलाई को टर्न कर लेना, ऐसे ही आपने दोनों साइड का एक एक फंदा लेते जाना, 7 फंदे बुन के 8वें फंदे के साथ एक एक फंदा लेते जाना। पहला फंदा निकालेंगे, 7 फंदे बुनेंगे, 7 फंदे तक, 7 फंदे ये बुन ले। इस फंदे को सिलाई में सीधा करेंगे, ऐसे सीधा करके, और एक फंदा इधर से लेके 2 का 1 बनाएंगे, इधर से हमारी ये चेन बननी स्टार्ट होगी, चेन बनेगी, दोनों तरफ हमारी चेन बनती जाएगी। ऐसे जहां से सिलाई को टर्न कर लेना है उल्टी तरफ, पहला फंदा निकालेंगे, 7 फंदे बुनेंगे, आठवां फंदा और एक फंदा इस सिलाई का लेके 2 का 1 बनाएंगे। ऐसे जहां से सिलाई को टर्न कर लेंगे सीधी तरफ आ जाएंगे, पहला फंदा निकालेंगे, 7 फंदे तक बुनेंगे, आठवां फंदा सिलाई में सीधा करेंगे, एक फंदा और लेके बैक में 2 का 1 ऐसे बनाएंगे, उल्टी साइड आ जाएंगे, 7 फंदे बुनेंगे। सेम आपने जो लेफ्ट साइड की आपको बनाई सेम बनेगी वैसे ही, लेकिन ये मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये 8वां फंदा और एक फंदा, ये 2 का 1 बनाएंगे, ऐसे सिलाई को टर्न कर लेंगे। पहला फंदा निकालेंगे, 7 फंदे बुनेंगे, आठवां फंदा सिलाई में सीधा करेंगे, बैक लूप से 2 का 1 बनाएंगे, एक एक फंदा आपने दोनों तरफ लेते जाना, जो हमने 9 9 फंदे रखे, अभी 3 3 6 6 6 फंदे रह गए, 3 3 फंदे हमारे कम हो गए। पहला फंदा निकालेंगे, 7 फंदे मैंने बना लिए, 8वां फंदा और एक फंदा जे लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे।
अब सिलाई को टर्न कर लेंगे, सात फंदे बनाएंगे। पहला फंदा ऐसे लेंगे, पहले सात फंदे बुनने के बाद आठवां फंदा सिलाई में सीधा करेंगे। ये वाला जो सीधा करने का जो डंग सीधी तरफ से आपने करना है, दो का एक बनाएंगे, तभी आपकी ये चेन बनती जाएगी। उल्टी तरफ आगे पहला फंदा निकालेंगे, सात फंदे तक बनाएंगे, लास्ट का एक फंदा जो आठवां रहने तक, ये सात मैंने बना लिए। अब आठवां फंदा और एक फंदा इस सिलाई का लेंगे, दो का एक बनाएंगे। अब आगे हम सीधी साइड पहला फंदा निकालेंगे, सात फंदे तक बनाएंगे, आठवां फंदा सिलाई में सीधा करेंगे और एक फंदा और लेके बैक लूप से दो का एक बनाएंगे। अब आगे उल्टी साइड सात फंदे बनाएंगे। और फ्रेंड्स, जिनको आता है वो तो बना लेते हैं, जिनको नहीं आता तो उनको ऐसे एड़ी में प्रॉब्लम आती है बनाने में, तो इसलिए मैं पूरा आपको जी बता रही हूँ। जी आठवां फंदा और एक फंदा और लेंगे, ऐसे सीधी साइड आ गए। अब सात फंदे पहले बुनेंगे, पहले फंदे को निकाल के आठवां फंदे को सीधा करेंगे, एक फंदा और लेंगे, ऐसे दो का एक बनाएंगे। उल्टी तरफ आ गए, अब पहला फंदा निकालेंगे, सात फंदे बनाएंगे, आठवां फंदा और एक फंदा इस सिलाई का लेंगे, ऐसे दो का एक बनाएंगे। सीधी तरफ आ गए, अब दोनों साइड हमारे दो दो फंदे रह गए हैं। पहला फंदा निकालेंगे, सात फंदे बनाएंगे, इस फंदे को सीधा करेंगे, आठवें फंदे को एक फंदा इस सिलाई का लेके दो का एक बनाएंगे। अब आगे उल्टी तरफ, पहला फंदा निकालेंगे, सात फंदे बनाएंगे, आठवां फंदा और एक फंदा इस सिलाई का लेके दो का एक बनाएंगे। अब आगे सीधी साइड, एक एक फंदा रह गया हमारा दोनों साइड। पहला फंदा निकालेंगे, सात फंदे बनाएंगे, ये सात फंदे बना लिए। आठवां फंदा सिलाई में सीधा कर लेंगे और ये लास्ट का एक फंदा जो रह गया इसको लेके दो का एक बनाएंगे, ऐसे। अब उल्टा करेंगे, उल्टी तरफ सात फंदे बनाएंगे, ये आठवां फंदा और एक फंदा जो लास्ट रह गया दो का एक बनाएंगे। ये हमारी सिलाई में आठ के आठ फंदे रह गए, दो चार छ आठ, आठ के आठ रह गए। ये हमारा ऐसे ये राइट साइड की भी एड़ी बन गई। अब हम आगे इधर, इधर की साइड हम आगे राइट साइड में आपको ये बाहर की तरफ ही हमारी जी सिलाई, तो जहां से हम नौ फंदे उठाएंगे, फिर उसके बाद ये नौ फंदे उठाने के बाद बुनते हुए फिर इधर से नौ फंदे उठाएंगे। इधर पहले इधर उठा लेते हैं, जो उल्टी तरफ है उल्टी तरफ आपने ऐसे उठाने हैं, ये अपनी तरफ सिलाई का मुंह करके आपने उठाने हैं, चेन से उठाते जाएंगे जी। एक, दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, पांच छः सात, ये आठ और ये नौ चेन से मैंने नौ फंदे उठा लिए।
अब सिलाई को सीधा करेंगे, सीधी तरफ आ जाएंगे। अब हम इसको पहले ये फंदों को जहां तक बुन लेते हैं सीधा, फिर उधर से भी हमने 9 फंदे उठाने हैं जैसे। ये मैंने बना लिया जहां तक। अब इधर से भी हमने ये 9 फंदे उठाने हैं जहां से स्टार्ट कर देते हैं। एक चेन से उठाते जाएंगे जी, दो ये, तीन ये, चार पांच छः सात जे आठ और जे नौ, 9 फंदे इधर से उठा लिए। तो जितने हमारे सॉक्स में 52 फंदे थे, 52 फंदे हो गए। अब इसको आगे जहाँ से ये एक लूप उठाएंगे, जहाँ गैप ना पड़े दो का एक बना देंगे ऐसे, जहाँ से थोड़ा हमारा ऐसे पूरा बराबर हो जाएगा ऐसे। जे सिलाई लास्ट तक मैं बना लेती हूँ। जी सिलाई जहां तक बन गई, अब जे राइट पैर की हमारी जे ऐसे एड़ी इधर की भी राइट पैर की जे बन गई। तो ऐसे आपने दोनों पैर की आपको मैंने बता दी बिना वीडियो को स्किप किते हुए। तो वीडियो जरूर लंबी होगी, लेकिन फ्रेंड्स आपको अभी कोई भी दोनों पैर की एड़ी जब बनाओगे कोई भी आपको दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स आगे इसको मैं अब सीधा उल्टा ऐसे ही बनाती जाऊंगी, दोनों पैर के सेम ही आगे बनेगा, सेम ही आप मैंने सीधा उल्टा बनाती जाना है। मैं इसकी कुछ सिलाइयाँ बनाऊंगी, वो आपको इसके लास्ट और थर्ड पार्ट में आपको आगे का पंजा कैसे बनाना है वो बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसके थर्ड पार्ट में आपको इसके आगे बताऊंगी। तो फ्रेंड्स ये आपको वीडियो कैसे लगी जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।